शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने दोस्त के साथ। अपनी दोस्त के पास ही तो आ रही हूँ। ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं, प्यार है। प्यार? ये अचानक प्यार कहाँ से आ गया? पसंद तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही करती थी, पर क्या है ना, तुम मेरी सहेली के पति थे। अब जब तुम दोनों अलग हो रहे हो तो सोचा क्यों ना अपने बारे में सोचूं, और फिर सोचा कि ये बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम एक साथ। अब जिस दिन आरोही के साथ डिवोर्स होगा उसी दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। ओके? रुको, शादी करने से पहले ये वीडियो तो देख लो, हो सकता है ये वीडियो तुम दोनों का बेटा भी बचा दे। ये किसने रिकॉर्ड किया? मैंने। क्यों किया तूने ये वीडियो रिकॉर्ड? अब तुम अपना फायदा देख सकते हो तो मैं अपना फायदा क्यों देख सकता? कैसा फायदा? मुझे शादी करनी है समीरा से, तुम जाकर बात करो वरना ये वीडियो वायरल कर देंगे। तू अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहा है? प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। चलते ये फोन मुझे। गलती मत करना, अगर ये वीडियो पूरे समाज में वायरल होगी ना तो तुम दोनों की जगह जगह थू-थू हो जाएगी और तुम्हें कहीं काम नहीं मिले और ना ही ये, समझे? उत्कर्ष, इसकी बात मान लो, नहीं तो हमारी खामखा बदनामी हो जाएगी और अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है और आरोही तुम्हें जेल भिजवा देगी। ठीक है, मैं आरोही से बात करता हूँ, लेकिन तब तक तुम ये वीडियो कहीं शेयर मत कर देना। ये हुई ना बात, लेकिन बात आज ही करनी पड़ेगी। ठीक है। उत्कर्ष तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब कहने को बचा ही क्या है? आरोही, मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर वापस जाओ। नहीं जाऊंगी। और कुछ? आरोही, हमारा बच्चा। इस बच्चे के ऊपर से तुम्हारा हक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने इसके माँ के कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला था। आरोही, एक बार उसकी बात सुन तो लो। मैंने बहुत सुन लिया इस आदमी का, लेकिन अब और नहीं, बस। ठीक है, हमारा जाने दो,
लेकिन चिन्मय और समीथा के रिश्ते के आड़े तो बताओ तू, उन दोनों की शादी करवा देते हैं। चिन्मय और समीथा के रिश्ते से फर्क पड़ता है? तब तो मैं आड़े क्या, उन दोनों के रिश्ते के बीच पहाड़ बन के खड़ी हो जाऊंगी। ये गुस्सा अपने घर पे जाके निकालना, यहाँ पे दिखाए तो तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी पुलिस की मेहमान नवाजी में भेज दूंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उत्कर्ष और आरोही को साथ में लाने की, पर तुम दोनों को साथ लाने में नाकामयाब हुई। तुमने जैसा कहा था, मैंने उत्कर्ष के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिससे तुम उसे ब्लैकमेल कर सको, जिससे कि आरोही और उत्कर्ष को हम साथ में ला सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर तुम भाभी को हम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं कर पाए। कैसे करती, आरोही बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं? चलो ठीक है, तो जो करना है मैं करके रहूंगा। तुम्हारे लिए नायाब तोहफा बबलू, मेरा बेटा। ये तो मेरा बेटा बबलू है, प्लीज इसको कुछ मत करना। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, और जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगी। ये हुई ना बात, सुनो, भैया और भाभी को साथ लाने में हम नाकामयाब रहे, लेकिन अब हमें उन दोनों को अलग करना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और अगर तुमने मेरी मदद ना की ठीक है, जो भी तुम कहोगे मैं सब करूंगी, लेकिन काम होने के बाद मेरे बेटे को वापस कर देना। मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरा काम ना हुआ तो तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। बताओ मुझे क्या करना है। ये लो कैमरा, इसे अपने कपड़ों में लगा के रखना, ताकि तुम जहां भी जाओ जो भी करो मैं सब पे नजर रखूं, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और ये लो, लो। किरण्या क्या हुआ तुम्हें? आरोही दीदी आप रो क्यों रहे हो? उत्कर्ष ने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? हाँ, मैंने तुम दोनों की मदद की इसलिए उसने मेरे साथ ये सलूक किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उत्कर्ष ऐसा भी कर सकता है। रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, उसने धमकी दी है, अगर मैंने पुलिस को बताया तो मेरे बेटे को जान से मार देगा। मैं अभी उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। आरोही मेरी मदद करो,
मेरी मदद करो। रो मत, हम मिलके उत्कर्ष को सजा दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को भी बचाएंगे। उत्कर्ष मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैंने उसे कल एक जगह मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, कल वहीं जाके उस उत्कर्ष को उसके पापों की सजा देंगे। अब समेधा को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अरे आ गई तुम। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में चिन्मय का वो फोन मिला है? हाँ। जिसमें हमारा वो वीडियो है? हाँ। दिखाओ। एक सेकेंड। सुमित और मेरे बीच की पहली दीवार गिर गई। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हिरण्या, आरोही, उत्कर्ष आने ही वाला होगा। तुम एक काम करो, ये गन लो और अंदर अंदर गोदाम में जाके छुपो, हमारी आत्मरक्षा के लिए। पकड़ो, मैं उत्कर्ष से मिलती हूँ और अगर उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर तुम आना, लेकिन ध्यान से। हाँ, तुम जाओ छुपो। अब बस आखिरी चाल। मैंने कुछ नहीं किया, अब मेरे पास समझो, मैंने